दिल्ली में सियासी हलचल के बीच अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम पद के लिए आतिशी को चुना है। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, जिसके बाद आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का यूपी से भी खास कनेक्शन है। आतिशी का बनारस और पूर्वांचल से भी गहरा नाता है। वह काशी की बहू है। मूल रूप से मिर्जापुर के मंझुआ ब्लॉक के अनंतपुर गांव के रहने वाले उनके पति का पूरा परिवार लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में निवास करता है। बता दें कि 18 साल पहले वाराणसी के लंका क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण सिंह से आतिशी की शादी हुई थी। आतिशी और प्रवीण की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों की ही इच्छा सामाजिक सुधार और ग्राम स्वराज के सिद्धांत के जरिए जागरूकता लाने की थी। समान विचारधारा के चलते दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। 2006 में आतिशी और प्रवीण ने धूमधाम से शादी कर ली। दिल्ली की सक्रिय राजनीति में आने से पहले आतिशी काशी में रहती थी। उनके पति प्रवीण का परिवार बनारस के पढ़े लिखे बौद्धिक और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। आतिशी ने पति के साथ मिलकर गाँव के उत्थान और किसानों के साथ मिलकर खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया। वैचारिक समानता की वजह से आतिशी को भी पति से पूरा समर्थन मिला और फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। बता दें कि दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद अब आम आदमी पार्टी की आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होंगी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। आपको बताते चले कि आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। आतिशी ने पति के साथ मिलकर ग्रामीण अंचल के विकास, कृषि विकास और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के मकसद से 2007 में मध्य प्रदेश में एक कम्यून स्थापित किया था। इसका उद्देश्य गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना था। हमने अभी तक आपको बताया दिल्ली की नई सीएम के बारे में। आइए अब जानते हैं दिल्ली की नई सीएम आतिशी के पति के बारे में। आतिशी के पति प्रवीण सिंह सिख राजपूत परिवार से है। अभी कुछ साल पहले ही आतिशी ने अपना सरनेम मार्लेना हटाकर सिंह कर लिया था। दोनों की प्रेम कहानी काफी रोमांचक है। प्रवीण काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए शख्स है जो लाइमलाइट से दूर रहकर अपना काम करते रहते हैं। कई साल पहले प्रवीण और आतिशी की मुलाकात दिल्ली में हुई। दोनों ग्राम सुधार के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एक की सोच दोनों को करीब ले आई। ये नजदीकियां पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। प्रवीण सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी IIM से पढ़ाई की है। देश की सबसे बड़े दो शिक्षा संस्थानों से डिग्री लेने के बाद भी वह चुपचाप काम करने में यकीन रखते हैं। आपको बता दें कि आतिशी के पति प्रवीण भी शुरू में आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में प्रवीण ने चुपचाप लो प्रोफाइल में काम करना पसंद किया। प्रवीण इतना ज्यादा लो प्रोफाइल में रहते हैं कि उनकी तस्वीर भी आपको सोशल मीडिया से ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है। दिल्ली पुलिस निवर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा की भी समीक्षा करेगी, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, जिसके तहत उन्हें एक पाली में करीब 40 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाते हैं। बता दें कि आतिशी आपके भरोसेमंद नेताओं में आती हैं। पार्टी की मुश्किल घड़ी में भी वो हमेशा पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी नजर आई थीं। यही नहीं, वो दिल्ली कैबिनेट की सबसे हैवीवेट मंत्री भी रहीं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।